हमास और इसराइल के युद्ध की चिंगारी जापान तक पहुंच चुकी है। रेड सी यानी कि लाल सागर के मिस्ट्री ने इस वक्त इसराइल और अमेरिका को बहुत ज्यादा डरा दिया है। 10 मिनट के कमांडो ऑपरेशन ने वर्ल्ड वॉर का बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। हेलीकॉप्टर एक जहाज के ऊपर मंडरा रहा है। हेलीकॉप्टर की कोशिश है कि वो किसी तरह शिप पर उतर जाए। खतरा बहुत ज्यादा है। हेलीकॉप्टर के पिछले रैंप वाले दरवाजों पर 2 झंडे लगे हैं। 1 है यमन का झंडा और उसके नीचे है फिलिस्तीन का फ्लैग। ये लाल सागर है, दुनिया इसे रेड सी के नाम से जानती है। आखिर यहां रेड सी में क्या हो रहा है? हेलीकॉप्टर किसी तरह जहाज की रफ्तार से रफ्तार मिलाकर आगे बढ़ता है और इस शिप पर उस जगह पर पहुंचता है जहां ये जहाज पर उतर जाए। लेकिन अचानक इस हेलीकॉप्टर से कमांडो निकलने शुरू हो जाते हैं। जहाज पर हमला होता है और ये कमांडो जहाज पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं। AK-47 और बाकी हथियारों से लैस ये कमांडो जहाज पर आगे बढ़ते हैं। हेलीकॉप्टर फौरन जहाज से उड़ जाता है। क्या हो रहा है किसी को नहीं मालूम। ये कमांडो जल्दी से जल्दी जहाज के ब्रिज की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिज यानी वो जगह जहां से पानी के जहाज को कंट्रोल किया जाता है। शिप के स्टाफ की तरफ राइफल ताने ये सभी हमलावर जहाज के ब्रिज में दाखिल हो जाते हैं और फिर क्रू मेंबर्स हैंड्स अप करके हमलावरों की इस टीम के आगे सरेंडर कर देते हैं। रेड सी में चलते हुए जहाज पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये हमला रेड सी की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन गया? 2 मिनट के अंदर कैसे पूरे जहाज को इस कमांडो टीम ने अपने कब्जे में ले लिया और इनका मकसद क्या है? शिप के ब्रिज पर कंट्रोल करने के बाद इन हमलावरों का कब्जा बाकी जहाज पर होने लगता है और फिर लगते हैं वो नारे जो यमन के हूती विद्रोही अमेरिका और इसराइल के खिलाफ लगाते हैं। ये है जहाज गैलेक्सी लीडर जो लाल सागर से गुजर रहा था और अब यमन के हूती विद्रोहियों के कब्जे में आ चुका है। उसके चारों तरफ उनकी स्पीड बोट है। जहाज पूरी तरह उनके कंट्रोल में है। यमन में बैठे हूती विद्रोहियों की सरकार का दावा है कि उसने इसराइल के जहाज को टारगेट किया है और ये गाजा में बमबारी का बदला है और ऐसे हमले होते रहेंगे। أو التي تتعامل معه بأنها سوف تصبح هدفا مشروعا للقوات المسلحة وتهيب بكل الدول التي يعمل رعاياها في البحر الأحمر بالابتعاد عن أي عمل أو نشاط مع السفن الإسرائيلية أو السفن المملوكة لإسرائيليين. बीच समंदर में ये ऐसा कमांडो ऑपरेशन है जिसे इसराइल के लिए 7 अक्टूबर 2023 के बाद दूसरा बड़ा झटका कहा जा रहा है। और ये भी कि रेड सी अब इसराइल के बरमूडा का ट्रायंगल बन गया है। बरमूडा ट्रायंगल वो जगह है जो दुनिया भर के समुद्री जहाजों के गायब होने की जगह के तौर पर बदनाम रही है। लाल सागर का खतरा इसराइल और अमेरिका पर बुरी तरह मंडराने लगा है। रेड सी में यमन के हूती विद्रोही वो कर रहे हैं जो अब तक बाकी अरब देशों ने सोचा भी नहीं था। लेकिन इनमें सबसे बड़ा पेच यह है कि इसराइल ने इनकार कर दिया है कि उसका इस शिप से कोई लेना देना भी है। गैलेक्सी लीडर जहाज का रिकॉर्ड बताता है कि यह कार सप्लाई करने वाला शिप है जो 48,000 टन तक वजन के साथ चलता है। इस जहाज के मालिकों को रे कार कैरियर्स नाम की कंपनी से जोड़ा गया है। बताया जा रहा है कि यह कंपनी इसराइल के कारोबारी अब्राहम रामी उंगर ने बनाई थी, इसलिए हूती विद्रोहियों को लगा कि यह जहाज इसराइल का है। लेकिन जहाज के मालिक एक ब्रिटिश कंपनी है और अभी इसका संचालन जापान की एक कंपनी करती है।当事者である報酬派への直接の働きかけに加え、サウジ、オマーン、イラン等の関係国に対して。
इसका मतलब साफ है, इसराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध में अब सिर्फ अमेरिका, ईरान और अरब देश ही नहीं बल्कि यूरोप से लेकर जापान तक फंस सकते हैं। इस युद्ध का दायरा और बढ़ सकता है। जैसा कि शुरुआत से खतरा बताया जा रहा है, गैलेक्सी लीडर के क्रू मेंबर्स में कई देशों के लोग शामिल हैं। इसमें बुल्गारिया से लेकर फिलीपींस, मैक्सिको और यूक्रेन के कर्मचारी भी हैं। और इस वक्त ये सभी हूती विद्रोहियों के कब्जे में हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी दावा कर चुके हैं कि इस जहाज के स्टाफ में कोई भी इसराइली नहीं है। हालांकि यमन, जो इस वक्त गाजा में चल रही बमबारी को लेकर बहुत गुस्से में है और जहां रोजाना इसराइल के खिलाफ हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां बैठी हूती सरकार का दावा है कि उसने इसराइली शिप को ही कब्जे में ले लिया है और इसराइल अब सिर्फ डर की वजह से पीछे हट रहा है। القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية في البحر الأحمر كان من نتائجها الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واجتيادها إلى الساحل اليمني. إن القوات المسلحة اليمنية تتعامل مع طاقم السفينة وفقا لتعاليم وقيم ديننا الإسلامي. शिप को लेकर हूती विद्रोहियों के दावे गलत हो सकते हैं, लेकिन ये मिसाइल अटैक साबित करता है कि यमन अब इसराइल के खिलाफ एक तीसरा मोर्चा खोल चुका है। यमन से फायर की जा रही मिसाइल और ड्रोन दक्षिणी इसराइल को टारगेट कर रहे हैं। सवाल है, क्या अब यमन होगा इसराइल का अगला टारगेट? क्या इसराइल अब यमन में भी गाजा जैसा ऑपरेशन चलाएगा? और हमास के बाद यमन के हूती विद्रोहियों पर इसराइल की सेना टूट पड़ेगी? कुल मिलाकर इस वक्त रेड सी की मिस्ट्री इसराइल और अमेरिका के लिए बरमूडा ट्रायंगल वाला खतरा बन चुकी है। इसराइल दावा कर रहा है कि गैलेक्सी लीडर को ईरान की शह पर ही अगवा किया गया है और ईरान ही इस हाईजैक का मास्टरमाइंड है। تامزنی ها باطل و ناشی از شرایط بغرنجی است که رژیم صهیونیستی با آن دست به گریبان. रेड सी की मिस्ट्री के पीछे मास्टरमाइंड कोई भी हो, इसका सबसे खतरनाक मकसद बाइडेन और नेतन्याहू को साफ साफ नजर आ रहा है। बाइडेन को लाल सागर में तूफान नजर आ रहा है, तो नेतन्याहू को लग रहा है कि उन्हें गाजा और लेबनान के बाद तीसरे युद्ध में फंसाने की साजिश शुरू हो गई है। रेड सी की मिस्ट्री अब गाजा में चल रही बमबारी का बहुत बड़ा बदला कही जा रही है। इसराइल और अमेरिका को बड़ी चुनौती 4H से मिल रही है। ये चारों H इसराइल और अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। इन चारों H को ईरान का पूरा समर्थन है। H से हमास, जिसने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इसराइल को कड़ी टक्कर दी है। H से हिजबुल्ला यानी लेबनान का मिलिशिया, जिसने इसराइल के उत्तरी ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए हैं। एच से इराक का मिलिशिया हश्द अल शाबी, जिसने इराक और सीरिया में अमेरिका के अड्डों पर हमले किए हैं। एच से हूथी यानी यमन का विद्रोही गुट, जिसने लाल सागर पर गुजरने वाले हर इजरायली शिप को टारगेट पर रख लिया है। Seizure of the motor vessel Galaxy Leader in the Red Sea is a flagrant violation of international law. We demand the immediate release of the ship and its crew, and we will consult with our allies and UN partners as appropriate on next steps. इस वक्त लेबनन और इसराइल के बॉर्डर पर ऐसा युद्ध चल रहा है कि गाजा में हो रहे हमले छोटे लगेंगे। देखिए हिजबुल्ला ने कैसे बुरकान मिसाइल से इसराइल के अड्डे पर बहुत करीब से हमला किया। पहले मिसाइल फायर और कुछ दूरी पर इसराइल के अड्डे पर ये जाकर बिल्कुल सटीक जगह पर गिरती है। ये इसराइल के कब्जे वाले इलाके में उसकी सेना के अड्डे की हालत है। जहां मिसाइल गिरी उस जगह की हालत देखिए, लग रहा है कि इसराइल का पूरा मिलिट्री अड्डा तबाह हो गया है। तस्वीरें साफ साफ बता रही हैं कि यहां कैसे बर्बादी हुई है। हिजबुल्ला ने अपनी छोटी दूरी की बुरकान मिसाइल से बहुत बड़ा नुकसान किया है। हिजबुल्ला ने अपने सबसे खतरनाक स्नाइपर फोर्स उतार दी है। हिजबुल्ला ने अपने एंटी टैंक दस्तों को इसराइल की पोस्ट पर लगातार हमलों का ऑर्डर जारी किया है। इसराइल के कई शहर टारगेट पर हैं। गाजा में बमबारी के खिलाफ हिजबुल्ला और हूती दोनों ने अपना हथियार गोदाम खोल दिया है। यमन अब इसराइल के समुद्री जहाजों को भी टारगेट कर रहा है, लेकिन ऐसे हमलों और गाजा पर बमबारी जारी रखने के बीच नेतन्याहू ने अपना वॉर ट्रायंगल तैयार किया है। नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल में सबसे बड़ा कोना गाजा में हमास का पूरी तरह खात्मा है।
नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल में दूसरा बड़ा कोना लेबनान में हिजबुल्ला का अंत है, जबकि नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल का तीसरा सबसे खतरनाक कोना है सीरिया, जहां से इराक का मिलिशिया हश्द अल शाबी इसराइल के बॉर्डर तक पहुंच सकता है। यही वजह है कि सीरिया पर इसराइल की एयरफोर्स ने हमले तेज कर दिए हैं। ये तीनों जगह इसराइल के बॉर्डर से लगी हुई हैं और इसराइल इन्हें अपने खिलाफ सबसे बड़ा खतरा मानता है। इस वक्त पश्चिम एशिया में जो भी हो रहा है वो दो कैंपों के बीच चल रहा है, एक तरफ इसराइल और अमेरिका और दूसरी तरफ है ईरान और उसके साथी मिलिशिया। फिलहाल हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर में जो कोहराम मचाया है उसका जवाब इसराइल की तरफ से आना बाकी है। अगर इसराइल ने हमला किया तो समझ लीजिए पूरा पश्चिम एशिया जल उठेगा, ये अमेरिका भी बहुत अच्छी तरह से जानता है। इसराइल खुद पर हुए अत्याचार को ना कभी भूलता है और ना ही दुनिया को भूलने देता है, इसलिए दुनिया की नजरों में भले ही गाजा के अंदर सीज फायर चल रहा है लेकिन इसराइल की सेना चुप नहीं बैठी है और वेस्ट बैंक के अंदर इसराइल ने बड़ी जंग छेड़ दी है। इसराइल ने गाजा पट्टी के अंदर संघर्ष विराम कर दिया है। लेकिन बहुत ही रणनीतिक दृष्टि से इसराइल ने फिलिस्तीन के दूसरे हिस्से यानी कि वेस्ट बैंक पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। तमाम विशेषज्ञ अब ये कहने को मजबूर हो रहे हैं कि वेस्ट बैंक अब दूसरा गाजा बन चुका है। जरा इसराइल के इस नक्शे को देखिए, जेरूसलम के पास जो हिस्सा नजर आ रहा है वो वेस्ट बैंक है। यहां पर फिलिस्तीन की सरकार है जिसके राष्ट्रपति महमूद अब्बास हैं, जबकि इसराइल के दक्षिण की तरफ गाजा पट्टी मौजूद है, ये भी फिलिस्तीन का ही हिस्सा है। साल 1948 में जब इसराइल और फिलिस्तीन का बंटवारा हुआ उस वक्त फिलिस्तीन को गाजा पट्टी का हिस्सा इसलिए दिया गया ताकि गाजा पट्टी के माध्यम से फिलिस्तीन का संपर्क समंदर से हो सके और वो विकास की ऊंचाइयों को छू सके। लेकिन गाजा पट्टी हमास के आतंकवादियों का एक किला बन गया और इसीलिए गाजा पट्टी पर इसराइल ने अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही की है। लेकिन 7 अक्टूबर के बाद से यानी इसराइल पर हमास के आतंकवादी हमले के बाद से जिस तरह की परिस्थिति का निर्माण हुआ है उसके बाद अब इसराइल ने वेस्ट बैंक पर अपने हमले बहुत तेज कर दिए हैं। फिलिस्तीन पर रिपोर्टिंग करने वाले अंतर्राष्ट्रीय अखबारों का दावा है कि 7 अक्टूबर से अब तक फिलिस्तीन के अंदर वेस्ट बैंक वाले इलाके में 237 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी वेस्ट बैंक के अंदर इसराइल की सेना हर दिन करीब 5 फिलिस्तीनियों को मार रही है। इसका मतलब है कि वेस्ट बैंक के अंदर हर 5 घंटे में एक फिलिस्तीनी को मारा जा रहा है। وكان ينادوا على البيت واهل البيت في السماعات انه اهل صهيب يطلعوا برا ما بيعرف انه فيش فيها حدا بلشين يرشوا عليها بالرشاشات 500 من ورا ومفايتين ضاربين غرفه صهيب فوق بصواريخ انرجي ومن جوا مفجرينها وهي الدمار الموجود और जिस तरह की हिंसक झड़पें हो रही हैं
7 अक्टूबर से अब तक फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके में 2,750 फिलिस्तीनी घायल हो चुके हैं, यानी फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके में हर दिन करीब 60 लोग घायल हो रहे हैं। यानी वेस्ट बैंक में 7 अक्टूबर से अब तक हर घंटे 2 से 3 लोग इजराइल की सेना के पलटवार में घायल हो रहे हैं। यानी अगर देखा जाए तो ये बात साफ साफ नजर आती है कि शांति काल में जितनी हिंसा गाजा पट्टी के अंदर 7 अक्टूबर से पहले हो रही थी, उतनी हिंसा अब वेस्ट बैंक के अंदर 7 अक्टूबर के बाद से लगातार हो रही है। और ना सिर्फ इजराइल के सैनिक वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनियों को अपना शिकार बना रहे हैं, बल्कि इसके अलावा भी वेस्ट बैंक के अंदर फिलिस्तीन भी आपस में बंट रहा है। تن حدا هم اي شيء في دارك يعني هذا البيت اللي بحد على يسارنا نسوان كان امنات في بيت الدار غرفه وطرقه صغيره ضربوا البيت الناس اللي ماركه بالشارع اتصاوبت بدون اي عمل بدون اي شيء يعني ما بستنى انك لا تحمل سلاح ولا تحمل شيء وروم هذا احنا شو بنقول الله يحيي المقاومه وعاشت كتيب الجنين والله ينصر المقاومه في جميع اطيافها। और वहां पर इजराइल समर्थक फिलिस्तीनियों को बेरहमी से बिना किसी सुनवाई के ही कत्ल किया जा रहा है। आखिर कैसे वेस्ट बैंक के अंदर फिलिस्तीन वर्सेस फिलिस्तीन नजर आ रहा है, इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट आपको आगे देंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे किस तरह से वेस्ट बैंक के अंदर बीते 24 घंटे में एक ऐसा खूनी गदर मचा जिसमें 6 फिलिस्तीनियों को इजराइल ने मार डाला। फिलिस्तीन के अंदर वेस्ट बैंक में सबसे बड़ा खूनी संग्राम जेनिन के अंदर देखने को मिल रहा है। ताजा घटनाक्रम भी जेनिन का है, जहां पर इजराइल की सेना घुसकर एक्शन ले रही थी। यहाँ इजराइल की सेना को भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रतिरोध पर इजराइल की सेना ने कार्रवाई की है और गोलीबारी में 4 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। फिलिस्तीन के अखबारों में एक रिपोर्ट आई है कि फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में मौत का आंकड़ा 250 को छूने वाला है। और इसमें 50 से ज्यादा नाबालिग बच्चे मारे गए हैं, यानी मरने वालों में 20% नाबालिग बच्चे हैं। जेनिन के अलावा रामल्ला में भी एक जबरदस्त झड़प हुई है जिसमें 25 साल के एक फिलिस्तीनी डॉक्टर की हत्या कर दी गई है। इसके अलावा रमल्ला के पास अल बिरेह में भी एक फिलिस्तीनी की हिंसक झड़पों में मौत हुई है। इसके अलावा इजराइल के एक और एक्शन ने वेस्ट बैंक के लोगों को परेशान कर दिया। दरअसल जिस तरह से इजराइल की सेना ने गाजा के अल शिफा और इंडोनेशियाई अस्पताल को घेर लिया था और वहां पर हमले किए थे, ठीक उसी तरह से अब फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के भी 2 अस्पतालों की घेराबंदी का काम इजराइल ने शुरू कर दिया है। इसमें से पहला अस्पताल वेस्ट बैंक में जेनिन का सरकारी अस्पताल है और दूसरा अस्पताल वेस्ट बैंक का इब्र सिना अस्पताल है।
इन दोनों अस्पतालों को इसराइल की सेना ने घेर लिया है और इसका मतलब यह भी है कि इसराइल को यह शक है कि क्या जिस तरह से गाजा पट्टी के अंदर अल शिफा और इंडोनेशियाई अस्पतालों को आतंकवादी हेडक्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, उसी तरह वेस्ट बैंक के अंदर भी इन दोनों अस्पतालों को चरमपंथी अपने हेडक्वार्टर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले जेनिन की एक मस्जिद पर भी इसराइल की सेना ने हमला किया था। और उसने मस्जिद के अंदर सुरंग की तस्वीर भी जारी की थी। इसराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया था कि इस मस्जिद को भी एक अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर की तरह से हमास इस्तेमाल कर रहा था। قالت في شظايا شاب عادي زيه زي اي واحد ماشي في بلده بس ممنوع حتى انك انت تمشي في بلدك في حريه او تروح على دارك او اي مطرح انت مش امن في جيش انت هدف في بيتك في الشارع على السطح في اي مطرح ما برحموا حدا ما بيستنوا حدا انه يقول زي ما هم بدعوا انك انت حامل سلاح حماس نے بھی بہت ہی چالاکی سے جن قیدیوں کی رہائی کی مانگ کی ہے उनमें से ज्यादातर फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के कैदी हैं, क्योंकि अगर वेस्ट बैंक के कैदी इसराइल की जेल से रिहा होकर के आते हैं तो इससे वेस्ट बैंक के अंदर हमास की लोकप्रियता काफी ज्यादा बढ़ेगी। यहां पर नोट करने वाली बात यह भी है कि इस वक्त फिलिस्तीन की वेस्ट बैंक की सरकार के राष्ट्रपति महमूद अब्बास हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता लगातार घट रही है। वेस्ट बैंक के अंदर एक सर्वे हुआ है और इस सर्वे में ये बात सामने आई है कि फिलिस्तीन के 80% लोग 7 अक्टूबर की घटना को सही मानते हैं और हमास की प्रशंसा कर रहे हैं। यानी अगर देखा जाए तो हमास की लोकप्रियता गाजा पट्टी की तरह अब वेस्ट बैंक में बहुत तेजी से बढ़ रही है। जैसे जैसे इसराइल की जेलों से फिलिस्तीन के कैदी निकलकर बाहर आ रहे हैं और वेस्ट बैंक में अपने घरों में जा रहे हैं, वैसे वैसे वेस्ट बैंक के अंदर से जश्न की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि फिलिस्तीन के अखबारों ने यह दावा किया था कि इसराइल ने वेस्ट बैंक के अंदर बंधकों की रिहाई पर जश्न पर भी प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी, लेकिन लोगों ने इसको नहीं माना और जिन लोगों की रिहाई हो रही है उनकी रिहाई की खुशी में जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि क्या जिस तरह से गाजा पट्टी की जनता ने हमास को राजनीतिक रूप से चुनकर अपने लिए एक आफत मोल ली है, क्या उसी तरह से अब वेस्ट बैंक के अंदर हमास की बढ़ती लोकप्रियता वेस्ट बैंक को नर्क बनाने जा रही है? क्योंकि वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनी नागरिक और हमास के समर्थक संधि के तहत बंधकों की रिहाई को हमास की जीत की तरह पेश कर रहे हैं। ये बात सही है कि इसराइल अब 300 के करीब फिलिस्तीनियों को रिहा कर रहा है, लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि 7 अक्टूबर से अब तक इसराइल वेस्ट बैंक से ही 3000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुका है। ऐसी स्थिति में अगर 3000 लोगों को इसराइल गिरफ्तार कर चुका है तो ऐसे में 300 लोगों की रिहाई कोई मायने ही नहीं रखती है। लेकिन शायद वेस्ट बैंक के अंदर चरमपंथ और ज्यादा बढ़ रहा है और इसके लिए इसराइल की कार्रवाई भी जिम्मेदार है, जिसके चलते वेस्ट बैंक में हमास की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। गाजा पट्टी के अंदर जिस तरह आम लोगों की मौत हो रही है उससे वेस्ट बैंक में भी कट्टरपंथ आसमान छू रहा है। फिलिस्तीन के अखबारों के मुताबिक गाजा पट्टी के अंदर इसराइल ने जैसे ही युद्ध विराम के प्रस्ताव को स्वीकार किया वैसे ही अचानक हमले बहुत तेज कर दिए। फिलिस्तीन के अखबारों का दावा है कि इसराइल ने 4 दिन के युद्ध विराम की पूरी कसर एक दिन में ही निकाल दी है। युद्ध विराम के ठीक पहले सबसे बड़ा हमला रफा इलाके में हुआ। रफा इलाका गाजा पट्टी के दक्षिणी हिस्से में है। यह भी एक बहुत बड़ा शरणार्थी कैंप है और यहां पर हजारों की संख्या में फिलिस्तीनी शरणार्थी रहते हैं। दक्षिणी गाजा के इस रफा इलाके में उत्तर गाजा से लाखों की संख्या में फिलिस्तीनी भाग कर आ गए हैं। ऐसी स्थिति में रफा का जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और इतने खतरनाक हालातों में इसराइल के लड़ाकू विमान यहां बहुत तगड़ी एयर स्ट्राइक कर चुके हैं। फिलिस्तीनी
फिलिस्तीन के कई अखबारों ने रिपोर्ट किया है और फोटो जारी की है और वीडियो भी दिखाए हैं जिसमें एक साथ दर्जनों लोगों को दफनाया जा रहा है, यहां तक कि बुलडोजर से कब्र पर मिट्टी डाली जा रही है। गाजा पट्टी के अंदर सामूहिक कब्रों की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। फिलिस्तीन के कुद्स न्यूज नेटवर्क ने कुछ ऐसे वीडियो पोस्ट किए हैं जो बहुत ज्यादा दिल दहला देने वाले हैं। वीडियो में दिखाया जा रहा है कि एक फिलिस्तीनी महिला अपने बच्चों के नाम पुकार रही है। मलबे के सामने खड़े होकर ये महिला अपने बच्चों को बुला रही है। और वो इस उम्मीद में है कि शायद उसका बच्चा जीवित हो और वो मलबे से आवाज दे ताकि किसी तरह से बच्चे को निकालने की कोशिश की जाए, लेकिन कोई उत्तर नहीं आता है। तो महिला रोने लगती है और पूरे इलाके में भीड़ लग जाती है। ऐसी घटनाओं से साफ लग रहा है कि 4-5 दिन के युद्ध विराम की पूरी भरपाई इजराइल अब वेस्ट बैंक से करने की कोशिश कर रहा है और दावा किया जा रहा है कि युद्ध विराम के बाद तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं, यानी जब युद्ध विराम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद इजराइल डिफेंस फोर्स लगातार हमास के आतंकियों के नए अड्डे पर हमले कर सकती है।